लालू यादव के बेटे ने कार्यकर्ता को रुलाया। आपको बता दें कि उन पर मारपीट का आरोप भी लगा है। जैसे ही एंट्री की और एक मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, उसी तरह उस रूम से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी तेज प्रताप यादव जो रूम से निकलते हैं, पूरा आग बगुला होकर के हमारे ओर बढ़ते हैं और हमें जैसे कलर पकड़ते हैं और माँ बहन के गाली देते हैं और बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि इनको जैसे कि निकालो बाहर करो, ये आरएसएस के एजेंट है। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र को यही संस्कार दिए हैं कि आए हुए अपने घर में अतिथि को इसी तरह से आदर भाव से अपने जितनी गाली दे करके और मार करके जैसे कि बाहर में ला दिया जाता है। कैमरे पर रो रो कर अपना दर्द बयां करने वाले सनोज यादव लालू की पार्टी आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि कल पटना में लालू यादव के घर पर लालू के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने इनके साथ मारपीट की। सनोज के मुताबिक उस वक्त लालू भी वहां मौजूद थे। लालू यादव सामने ही बैठे हुए थे अपने रूम में जब वो तेज प्रताप जी मेरे साथ जो शब्दों को प्रयोग कर लिए एक बार भी। उन्होंने उठ करके नहीं कहा कि सनोज यादव के साथ तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्यों उसके साथ मार रहे हो, क्यों तुम उसको गाली दे रहे हो, इस तरह का अपमान करके पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस बीच सनोज यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमे वो बिहार आरजेडी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को हड़काते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार आरजेडी अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने टीवी शो में लालू परिवार का पक्ष ठीक से नहीं रखने को लेकर सनोज यादव को फटकार लगाई। इसके बाद सनोज यादव ने पूर्वे के साथ बदतमीजी की। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सनोज यादव की प्रदेश अध्यक्ष के साथ इसी बदतमीजी को लेकर लालू यादव और तेज प्रताप नाराज चल रहे थे। इफ्तार के दिन जैसे ही सनोज पर नजर पड़ी, तेज प्रताप का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि लालू परिवार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि सनोज यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।